राजस्थान में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। सूची आने के बाद करीब एक दर्जन से अधिक उम्मीदवारों का विरोध भी देखा जा रहा है। इससे निपटने के लिए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल समिति का गठन किया है। कैलाश चौधरी नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस की अभी सूची आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही विरोध होने लगा है। शुक्रवार को कई समर्थक इसका विरोध करने कांग्रेस के वॉर रूम के सामने पहुंचे और जमकर बवाल काटा। समर्थकों ने इस दौरान सीएम गहलोत को भी घेर लिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने मौजूदा विधायक और संभावित उम्मीदवारों को टिकट न देने की मांग करते दिखे। गौरतलब है कि सरदार शहर से अनिल शर्मा, किशनपोल से अमीन कागजी, फुलेरा से विद्याधर सिंह, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, बयाना से रूपवास से अमर सिंह जाटव, सीकर से जाहिदा खान का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा और कांग्रेस में हो रहे इस विरोध के बाद किस तरह का परिणाम सामने आता है।